भाई जो यहाँ आए हुए हैं इतने दूर दूर से आप आए हो, अगर आपने बात सुननी नहीं है तो क्या फायदा। अपने साथी बैठाइए प्लीज, अपने साथी बैठ जाओ। मैं अपने सभी साथियों को बार बार कहता हूँ, आवाज दो। अब हर एक से बात करेंगे, हर एक से बात करेंगे, हर एक से बात करेंगे। सभी जितने भी मेरे साथी सहयोगी मीडिया के बंधु यहाँ हैं, हमारी बहनें हैं, आप सबसे मैं एक एक करके बात करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा ये साथी कुछ बात करना चाहते हैं, अगर मैं इनको देख पाऊं। प्लीज प्लीज जेडीए साड़ी त्रै डिमांडा ना, मैं पहले तीन डिमांडा क्लियर करूंगा। थोड़ा सा रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, साड़ी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस। मैं राणा साहब को एक गल आखना चाहना, सुनो राणा साहब की मौजूदगी अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो काम करने वाले हमारे टेलीविजन्स भाई बहन, और आज विशेषकर यहाँ जो पीएचई डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन दो जवान यहाँ आए हैं, मैंने देखा है ये पिछले काफी समय से आप अपनी मांगों को लेकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और कई सालों तक, और आज भी हम आपकी जो आपकी मांगे हैं इनके समर्थक हो रहे हैं, हक में हैं, क्योंकि मैं खुद भी कई साल आपके इन आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं। यहां बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं, ये सब जानते हैं, और जब मुझे आज सूचना आई कि आप सारे मेरे घर आने वाले हो, तो मैं आप सबका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप हमारे भाई हो, हम भाई हैं। और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आप सभी यहाँ बैठे हो, और आपने ये कहा कि हमें रैना साहब को यहाँ आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं चल पड़ता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं आए तो मैं ही चल पड़ता हूँ, कोई फर्क थोड़ी है। हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई हैं, और मैं हमेशा आपकी आवाज। यहाँ हमारे कुछ साथी बैठे हैं, जब मैं एमएलए भी था तो जिन दिनों असेंबली चलती थी तो आपका धरना प्रदर्शन चलता था, और मेरे साथियों को याद होगा जब आपने रवि हंस जी, सरदार जी और ये सारी इनकी टीम ने बीसी रोड से एक बार आपने अपनी शर्ट्स उतार के एक बार प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था, हालांकि उस वक्त हम सरकार में थे, और मुझे ये कहा गया था कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया। मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा, हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और आज भी हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, मुझे टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी थी कि आप सब अपनी मांगों को लेकर आज आपका एक बड़ा प्रदर्शन है, और जब आपके कुछ साथी 25-30 साथी अभी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए, आपने हमारे साथ चलना, तो मैंने कहा मैंने सोचा था कि सारे साथी आ रहे, बोला नहीं सब ने आपको वहां बुलाया, तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों अपने साथियों के साथ मैं मिलता। साथियों, ये जो जितने भी हमारे साथी हैं, सरदार जी हैं, रवि हंस जी हैं, या जितने भी साथी हैं, ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो, लगभग 1-1.5 साल पहले एक जब लंबा आंदोलन आपका चला, वहां बीसी रोड के ऊपर आप प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां भी आया था,
और वहां से बैठ के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक 6 मेंबरी डेलीगेशन राजभवन में बुलाया था और एक लंबी बातचीत वहां के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। और साथियों, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट था या अन्य बाकी के डिपार्टमेंटों के जो इनके आपके आंदोलन के आपके साथी सहयोगी वहां मेरे साथ गए, साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो मांगे हैं, जिस हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ। मुंह से नीचे कर इसे। देखो, मेरे दिल में आपके लिए दर्द था तो मैं पैदल चल के आपके पास आया ना। सर पहले डंडे लगवा फिर डंडे का। इन्होंने कहा जैसे 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 रवि हंसी ने कहा, जैसे रवि हंसी ने कहा, अभी हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस सारे आपके आंदोलन और ये सारे विषय उनसे डिस्कस करेंगे। आपकी हर एक मांग हमारी मांग है। जो जो बातें रवि हंसी ने यहाँ कही है, इसके बाद गवर्नर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ मसला हल होगा और अमित शाह साहब जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ जब उनका टूर होगा यकीनन आप सब हमारे साथी हो, यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट को चलाने वाले साथी हो। और गृह मंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। जैसे मुझे उनसे अपनी बात रखने का हक है, आपको भी बात रखने का हक है। आपका डेलीगेशन उनसे भी मिलवाना, जैसे रवि हंस जी ने कहा है, यकीनन आपका डेलीगेशन मैं उनसे भी मिलाऊंगा। रविंदर रैना आए और आकर चले गए, आश्वासन यहाँ पर दे गए और ये कहकर गए हैं कि एलजी साहब से वो बात करेंगे और इनकी मीटिंग भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात जो अक्सर होती है, कहीं ना कहीं अधिकारी आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं, पार्टी के नेता आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो इनकी बातें हैं, जो इनकी डिमांडें हैं, वो वहीं की वहीं रह जाती है। फिर से आश्वासन दिया गया, आप देखते हैं कि आश्वासन पर कितना खरा उतरते हैं और वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सीधे तौर पर पीएचई के जितने भी ये डेली वेजेस हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले समय में, अब जो कह दिया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर वक्त कुछ और ही दिखाएगा इनकी तरफ से, सीधे उन्होंने कहा। और ये भी कह दिया है कि अगर ये हमें अपना मानते हैं, यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने कहा है रविंदर रैना जी को, अगर वो इन्हें अपना मानते हैं, अपना कहकर बात करते हैं, तो फिर अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो भी रिज़ाइन दे दे। अगर वो रिज़ाइन देते हैं अपने पद से तो हम भी उनके साथ होंगे और हमारे साथ बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे और फिर गवर्नर साहब के पास हम सब मिलकर चाहेंगे। अब ये बातें कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इन्हें इन्हीं आश्वासनों के साथ अभी यहाँ से जाना पड़ रहा है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।